उनके ऊपर जुर्म और अत्याचार करके उनका शोषण किया जा रहा है और सरकार आंख मीच करके उसको देख रही है, कान में रोई लगा करके बैठी है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो रोई निकाले, नहीं तो कान के पर्दे फोड़ दिए जाएंगे। साहब, जमीन के बारे में हमारा झगड़ा हुआ था और राजपूता ने जबरदस्ती ट्रैक्टर लाके खेड़ने लगे, तो हम वहाँ गए, लालचों किया, हाथ जोड़े के साहब मत खेड़ो नहीं, तो बोले कि साले डेडू भाग जाओ। और गंगा सिंह आए, मेरे को तलवार मारी सिर पे, और तुलसी सिंह ने इधर मेरे धारिये मारे, और हरमत सिंह ने मेरे कोल्लाड़ी मारी सिर पे, फिर मैं बेहोश गया। ये धरना पिछले 2-3 माह में दलितों पर लगातार हो रहे गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और पुलिस से हमने बार बार संपर्क करने के बावजूद जब न्याय नहीं मिला, तो हम लोगों को मजबूर होकर के और महापड़ाव करने का निर्णय लिया। कुछ करके दिखाओ, तो जदुआ होना चाहिए। लोग क्यों भगत सिंह को याद करते हैं, क्यों चंद्रशेखर को याद करते हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया। अरे हमारे यहाँ एक हरलाल चौधरी का नाम हो, हमारे को ये लगती है कि हमारी बहन बेटी के साथ में, छोटी बच्ची 4 साल की, उसके साथ में बलात्कार होना और सबसे अंतिम पंक्ति में बैठी हुई जोगी जाति की महिला के साथ में बलात्कार होना, हमारी जमीनों पे जबरदस्त कब्जा करना और ऐसी बहुत सारी है, और घर में बैठे हुए घर में घुस करके लोगों के साथ में वारदात और मारपीट करना, कई जरूरत नहीं है। आपके साथ संघर्ष कर रहा है, आपके साथ जुड़ो है, समाज को पूरी जरूरी है, जो बनता है उसका, जैसा बनता है उसका विरोध करिए। तो जहां तक आपकी जान दे रही है, आप दे दीजिए, लोग आपके साथ है। यहाँ पूरे मनुवादी ताकते हैं, वो पूरे के पूरे हम लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। हम एक ही उसूल में विश्वास रखते हैं, एक ही हमारा गीता कहो, कुरान कहो, जो भी है, वो भारत का संविधान है जो बाबा साहेब ने दिया, उसमें हम विश्वास रखते हैं।